क्या सौदा किया कितनी सुंदर लग रही है सच में। वाओ व्हाइट सूट में पूरी एंजल लग रही है वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए कैसी तेरी खुदगर्जी का ओएसटी। इतने सारे ओएसटी करने के बाद हमारे पास इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें कैसी तेरी खुदगर्जी का ओएसटी भी देखना चाहिए, क्योंकि हमें इतने पसंद आते हैं। जब हमने मेरे पास तुम हो का ओएसटी सुना था, राहत फतेह अली खान ने जो उसके अंदर जान डाली उन लिरिक्स के अंदर, मजा आ गया था। और आज का भी जो है वो भी राहत फतेह अली खान ने ही गाया हुआ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुनने के लिए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दानिश तैमूर और नौमन एजाज, बहुत सारे दिलचस्प जो कैरेक्टर हैं वो इसमें हैं। तो हमारे लिए तो आई थिंक ये पूरा ड्रामा ही बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि हमारे सारे फेवरेट इसमें आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ओएसटी में क्या धमाल मचाने वाले हैं राहत फतेह अली खान। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि राहत फतेह अली खान जी की जो आवाज है ना, उसमें इतना चार्म है और इतना अट्रैक्शन है कि जब आप एक बार सुन लेंगे ना, तो वो ओएसटी सारा दिन आपके कान में बजता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने। कितनी सुंदर लग रही है सच में। वाओ व्हाइट सूट में पूरी एंजल लग रही है वो। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की अर्जी। मेरे बहुत अमीर लड़का, एक बहुत छोटे से घर की लड़की, तो कैसा सा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो बहुत सिंपल लुक्स में है दूर पिशा। तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी, तेरी मर्जी ओहो। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। मैं सांसा हरी हरी, मैं रुल दिया मारी मारी। मिस हैपनिंग की हुई है। हाँ, जबरदस्ती की शादी या जबरदस्ती का प्यार लग रहा है। दोनों इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं। I'm not afraid to die.
दो परिवारों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ समथिंग ऐसा लग रहा है ना। किसी ने तो किसी को धोखा दिया है, अब लड़के ने दिया लड़की ने दिया नहीं समझ में। मेरी आवाज पीछे तेरा दिल कोई लड़का चाहता है लेकिन लड़की नहीं चाहती। हाँ कुछ ऐसा, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जबरदस्ती है। हाँ दानिश तैमूर और दुरे फिशा ने साथ में काम किया है, ये तो मुझे इस वीडियो से पता चला। मतलब जब भी आपके कमेंट्स आते हैं उनसे ही हमें नए से नए जो ड्रामास हैं उनका पता चलता है। हम लोग ने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं और बहुत सारे ड्रामास हमने इस चैनल के थ्रू आप लोगों के थ्रू जाने हैं, पर मेरे को नहीं पता था इन दोनों ने साथ में काम किया है। क्या दोनों की जोड़ी लग रही है, इतना अच्छा ये OST था। और एज यूजुअल राहत फतेह अली खान ने गाया तो वो तो अच्छा होना ही था, इतना प्यारा लग रहा था। लिरिक्स विरिक्स सब बहुत अच्छे थे, पर स्टोरी अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुई कि कौन किसके साथ गलत कर रहा है। कि वैसे तो जहां तक समझ में आया कि दानिश का ही हमें ऐसा दिखाया गया है कि दानिश थोड़ा जबरदस्ती उसके साथ प्यार करना चाह रहा है पर वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है उसको, कुछ कुछ ऐसा समझ में आया। और वो कुछ किसी छोटे परिवार से बिलोंग करती है, दानिश किसी बहुत हाई क्लास परिवार को बिलोंग करता है। तो पर देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये पूरा ड्रामा। मुझे ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे भी कोई मतलब स्टोरी ऐसी लग रही थी कि दो परिवारों में या तो कोई रिवेंज है या फिर दोनों परिवारों के स्टैंडर्ड में मे भी शायद फर्क हो सकता है, क्योंकि लड़की बहुत सिंपल सी लग रही है तो मे भी शायद वो किसी छोटे परिवार से बिलोंग करती होंगी। और जो दानिश तैमूर है वो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हों, और क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है उनकी जो हवेली दिखाई है वो काफी लविश लेवल पे दिखाई है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों की लव स्टोरी जो है वो कैसे शुरू होती है और क्या क्या होता है इनकी लव स्टोरी के अंदर। तो हमें तो आज के ये OST भी बहुत पसंद आया, लिरिक्स इतने मजेदार थे और राहत अली फतेह अली खान जी ने एक बार फिर से अपना मैजिक दिखा दिया। उनकी जो आवाज का मैजिक है ना वो आई थिंक हम अभी काफी दिनों तक नहीं भूलने वाले। तो हमारी तरफ से आज का OST बहुत अच्छा था। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।